हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जानवी ब्यूटी एंड ब्लॉग, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके साथ एक गोल्डन आईलाइनर का रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि सिमरी है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ, लुक वाइज ये कुछ इस तरीके से, मुझे इसका लुक बहुत ही पसंद है। और ये सिचुएटिव ब्रांड का है, इसकी एक्चुअल MRP है 199 यानी 199 रुपये, और ये मुझे ऑफर में मिला है। तो ये मुझे 170 के समथिंग का मिला हुआ है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। लॉन्ग लास्टिंग है गाइस, मैंने रियली में इसको लगाया है और मुझे बहुत पसंद आया है। तो मैं आपको इसका एप्लीकेटर दिखा देती हूँ किस तरीके से है। तो देखिए, इसका ये एप्लीकेटर है, बहुत ही स्मूथ चलता है और लगाने पे बहुत ही इजीली आप इसको लगा पाओगे। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट लगा करके दिखा देती हूँ कि मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ। मैं इसको आईलाइनर जहां मैं ड्रॉ की हूँ उससे बगल से ही लगाऊंगी इसको। आप चाहो तो इसको आईलाइनर की जगह पर लगा सकते हो, मैं बस आईलाइनर के ऊपर लगाऊंगी इसको। तो देखिए, बस आपको थोड़ा सा ड्राई होने देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको जब लगाओगे तो ठंडक टाइप से फील होगा क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड बेस में होता है, और जब आप इसको ड्राई होने दोगे तो फिर ये इजीली सेट हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही प्यारा है। आप इससे चाहो तो इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से इससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हो आप। तो आप मेरे दोनों आईज में फर्क देख ही पा रहे होगे, तो मैं इस आईज में भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसका एप्लीकेटर बहुत स्मूथ है, बहुत ही आराम से चलता है ये। तो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप आपको ये मेरा गोल्डन जो है आईलाइनर बहुत पसंद आया होगा। स्विच ब्यूटी ब्रांड का है, मैं इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये लॉन्ग लास्टिंग है गाइस, और इससे एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। आप भी मैंने आपको इस तरीके से लगा करके दिखाया है, अगर आप आई शेडो इस तरीके से अप्लाई करते हो फिर आप उसका एक यहाँ पे गोल्डन लाइन भी बना सकते हो, तो ये काफी टाइम तक चलेगा आपका और इजिली। बस आपको इसको सेट होने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, समथिंग 1 मिनट के समथिंग, और बस ये इजिली सेट हो जाएगा, फिर इसका कोई इश्यू नहीं है। और बहुत ही अच्छे से ये आपकी आईज में सेट होता है, और स्विच ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसा लुक देता है। तो आप चाहो तो इसको नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो नीचे भी एक अलग लुक आ जाता है। नीचे अगर आप व्हाइट कलर का काजल डालते हो या क्रीम कलर का, फिर उसके बाद इसको ड्रॉ करो तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप देख पा रहे हो कि मेरी आईज सडनली बड़ी बड़ी सी दिखने लगी है और एक तीखा सा शेप आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली कीजिएगा। मैंने पूरा इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि हाफ में अगर मैं व्हाइट काजल यूज करूंगी और फिर हाफ में इसको लगाऊंगी तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से लुक क्रिएट किया है। तो आई होप आपको अच्छा लगे, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए बहुत सारे लेकर के आती रहूंगी, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आई लव यू, टेक केयर।